एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह मेरे चैनल पे जो भी नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। इस रीडिंग में हम आपकी भी एनर्जी को चेक करते हैं ओवरऑल, और आपके पार्टनर की एनर्जी को भी चेक करते हैं। राइट साइड में आपकी एनर्जी, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी, और अगर कोई सिंगल है तो वो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकता है या कर सकती है। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। आप में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम एस्ट्रो पे मैसेजेस में डेली आप राशि या अल्फ़ाबेट वाली ही रखा कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी आज भी मैं राशि वाली वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी। बस ये है कि राशि वाली वीडियो में टाइम स्टैम्प लगाना थोड़ा सा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और फटाफट से टाइम स्टैम्प लगा देते हैं, मेरी हेल्प कर देते हैं, तो उसके लिए डांटा मत कीजिए क्यों, मैं कोशिश करूँगी टाइम स्टैम्प लगा दूँ। अगर भूल जाती हूँ या अपलोड कर देती हूँ तो देख लेना, और जो जो देखता जाएगा वो अपना अपना टाइम स्टैम्प देता जाएगा कि हाँ स्कॉर्पियो इतने पे है, एरीज इतने पे है। मैं कोशिश करती हूँ यार याद करने की, भूल जाती हूँ मैं, थोड़ा हेक्टिक काम भी है वो टाइम स्टैम्प लगाना, एक एक वीडियो को खोज खोज के, है ना। चलो कोई नहीं, करेंगे करेंगे, शुरू करते हैं। सो ये है गाइस आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड नाइन ऑफ अर्थ, फर्स्ट कार्ड। सेकंड वी हैव मैसेंजर ऑफ एयर, देन वी हैव क्वीन ऑफ वाटर, देन वी हैव सन, देन वी हैव क्वीन ऑफ फायर, हैंगमैन। ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ अर्थ। तो आज के दिन बहुत ही लक आपका साथ देने वाला, स्पेशली इन योर फाइनेंशियल फील्ड। अगर आज के दिन आपका कोई ऐसा काम है, जैसे आपका इंटरव्यू है या आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ आपके मन में चल रहा है, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं, या कमिटमेंट को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस की वाइब्स है। वी हैव एस ऑफ अर्थ, स्ट्रेंथ एंड जस्टिस। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। सेकेंड वी हैव क्वीन ऑफ फायर विद हैंगमैन। आज के दिन कुछ लोगों को अपने ही पार्टनर से इरिटेशन होगी। जैसे देखिए, हम किसी से प्यार करते हैं तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमसे प्यार करे, वो भी हमें वैसे ही चाहे, वो भी हमें मैसेजेस करे, कॉल्स करे, हमसे दूर ना रह पाए जैसे हम नहीं रह पाते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को ऐसा रहेगा जैसे कि बहुत हो गया, बहुत सैक्रिफाइसेस कर लिए, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, बहुत स्पाई कर लिया, अब समय है सेल्फ लव का। तो आप में से कई लोग आज के दिन ना अपने ऊपर फोकस करेंगे। मे बी आप हेयर कलर करवाएं, स्पा, नेल पेंट करवाएं अपने हिसाब से, नेल आर्ट करवाएं, आप अपने हिसाब से कहीं पार्लर वॉलर में जाएं, अपने आप को खूबसूरत बनाएं, अपने बॉडी को, और साथ ही साथ आप कहीं घूमने जाएं, इन्जॉय करें। आप रोज़ रोज़ की ये चिक चिक से इरिटेट हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब आए चाहे भाड़ में जाए, मेरे से मतलब नहीं है, आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। तो आप ना थोड़े से केयर फ्री टाइप के हो रहे हैं, और ये अच्छी एनर्जी है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि क्वीन ऑफ फायर एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन आप उस पावर को सिर्फ यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ कि आप प्यार में हैं। आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन स्टिल आप लॉयल हैं, आप डेडिकेटेड हैं बिकॉज़ यू लव समवन। तो जिससे आप प्यार करते हैं, अगर वो आपको हल्के में ले रहा है कि ये तो मेरे लिए ही तड़पता रहेगा या तड़पती रहेगी, तो आप अब और उसको ये मौका नहीं देने वाले हो, इस तरह की वाइब्स है। देन करियर वाइज, अगर आज जैसा मैंने कहा कि आप इंडिपेंडेंट रहोगे, करियर में आपको आज ग्रोथ मिल सकती है, आपके बॉस से अप्रिशिएशन मिल सकती है बिकॉज़ वी हैव सन,
कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, या किसी पब्लिक इमेज का सपोर्ट आपको मिल सकता है, किसी से आज मुलाकात हो सकती है, इस तरह की वाइब्स है। कुछ लोगों की एनर्जी में वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स विद क्वीन ऑफ वाटर। आज का दिन ना थोड़ा इमोशनल रहेगा, बट फ्री टाइम में, जैसे आप इवनिंग में फ्री हैं या आप नाइट में फ्री हैं, तब आप थोड़े इमोशनल एनर्जी में आ सकते हो। ज़्यादातर टाइम आज का खुद पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने बारे में सोचना, अपने करियर के बारे में सोचना, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना, अपनी बॉडी के बारे में सोचना, इस तरह की वाइब्स है। बात करें आपके पर्सन की तो पहला कार्ड है चैरियट, देन वी हैव टू ऑफ वाटर, इनकी तो अलग ही चाल है, देन वी हैव एट ऑफ अर्थ, एम्परर, किंग ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ अर्थ एंड वी हैव नाइन ऑफ फायर। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जैसे ये बहुत समय से किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में रहे हैं, फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में, किसी ऐसी एनर्जी के बीच में जो कि बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और सडनली आज के दिन इनको ऐसा रियलाइज़ होगा कि बस अब बहुत हो गया, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी या वो करूँगा, जो होगा देखा जाएगा, कोई मेरे से प्यार करता होगा तो रुकेगा, नहीं प्यार करता होगा तो वो जाए तेल लेने, ये वाली सिचुएशन है। तो फियरलेस हैं, बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है। रीडिंग की शुरुआत में कपल आया है, किंग ऑफ अर्थ विद क्वीन ऑफ अर्थ, मींस कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर आज के दिन में अपनी फैमिली से कुछ डिस्कशंस करने वाले हैं रिलेटेड विद योर रिलेशनशिप। साथ ही साथ ये फैमिली कोई भी हो सकती है, इनके माँ बापा हो सकते हैं या फिर इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, डिपेंड कि ये मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके अलावा कुछ डिसीजंस आज के दिन ये लेंगे जो कि यूनियन से रिलेटेड है, बिकॉज चैरियट के साथ वी हैव गॉट टू ऑफ वाटर। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन सडनली कुछ ऐसा निर्णायक फैसला लेंगे जो कि यूनियन से रिलेटेड है। इसके अलावा आज का दिन इनके लाइफ में या तो ये खुद बहुत ईगो में ऑपरेट करेंगे, या तो इनके बॉस के साथ या इनके घर के बॉस के साथ, चाहे मम्मी पापा जो भी घर का बॉस हो, उनसे इनकी बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फियरलेस एनर्जी है और किसी का ये बर्दाश्त नहीं करने वाले, कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इस तरह की वाइब्स है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर के लिए आज का दिन करियर वाइज बहुत अच्छा नहीं रहेगा, करियर में ही इनका थोड़ा जैसा मैंने कहा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या फिर ये इनको कहीं पर ट्रांसफ़र या कहीं मूव करने के लिए कहा जा सकता है जिसके कारण प्रॉब्लम होगी, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है जैसे इनको ये रियलाइजेशन होगा आज के दिन में कि इन्होंने अपने ईगो के कारण सब कुछ ख़राब किया है, तो अब यही ठेका खाए हैं सब कुछ ठीक करने का। तो अगर आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ है, लड़ाइयाँ हुई हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो यही वापस आएंगे, यही सॉर्ट आउट करेंगे। यूनियन में अगर आप ऑलरेडी हैं तो आज का दिन आपके पार्टनर आपके साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने फिरने की एनर्जी है। अगर आप यूनियन में नहीं हैं तो भी यहाँ पर आपके पर्सन यूनियन में आने की वाइब्स में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आज वापस आ सकते हैं। सो ये थी गाइस आप दोनों की आज की एनर्जी। मिलते हैं इसके बाद एस्ट्रो विद एम सिंह में, जिसमें हम राशि के अकॉर्डिंग कुछ एनर्जीज़ को लेंगे और अपने राशि और लगन के हिसाब से आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं, टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।